बच्चों, कल हमने 5 तक गिनती गिनना और लिखना सीखा था, ठीक है। आज हम उसका टेस्ट लेंगे कि कितने बच्चों को 5 तक गिनती की पहचान हो गई है और कितने अभी भी पीछे हैं, ठीक है। जिनको पहचान हो गई होगी बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मन लगा के अपना काम कर रहे हैं। जो पीछे रह गए हैं वो और मेहनत करेंगे, है ना। अब यह देखिए, यहाँ पे ये मैच करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये हमारा कितने गोले हैं यहाँ पे, एक। इसी तरह इस तरफ कौन से फ्लावर की पंखुड़ी एक है, ये फूल है ना सारे। यहाँ पर यहाँ एक पंखुड़ी फूल की, ये दो पंखुड़ी, ये तीन पंखुड़ी, ये चार और ये पांच। आपने अंक के साथ उसका मिलान करना है। यहाँ एक गोला है, इसी तरह से यहाँ पे फूल की पंखुड़ी क्या है, एक है। आगे आप लोगों ने जैसे ये दो गोले हैं तो अंक दो के साथ इसका मिलान करना है। ठीक इसी तरह से फूल की जो दो पंखुड़ी हैं उसका मिलान आपने अंक दो के साथ करना है। इसी तरह से तीन गोले हैं तो इनका मिलान आपने अंक तीन से करना है और फूल की तीन पंखुड़ी का मिलान भी अंक तीन से करना है। यहाँ पे चार गोले हैं, चार गोलों का आपने मिलान किससे करना है, बिल्कुल सही, अंक चार से। और फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं चार, उनका मिलान भी आपने किससे करना है, अंक चार से। इसी तरह से ये जो पांच गोले हैं इनका मिलान आपने किससे करना है, अंक पांच से। और फूल की जो पांच पंखुड़ियाँ हैं उनका मिलान भी आपने किससे करना है, अंक पांच से, ठीक है बच्चों। पेरेंट्स, आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह से ये सारणी सी बना के बच्चों को दे दीजिए, इसी तरह से जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और अगर हाँ आपके पास कलर्स पेन हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे एक तो बच्चे अट्रैक्टिव होंगे, दूसरा ये फ़ोटो में थोड़ा साफ़ और क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि पेंसिल से जो काम बच्चे करते हैं उसका फ़ोटो इतना साफ नहीं आता। तो फर्स्ट क्लास के सभी बच्चे ये अपना होमवर्क करके ग्रुप पे सेंड कर दें, ठीक है बच्चों। बाय।